ये देखिए दही बड़े बिल्कुल पक्के तैयार हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे एक प्लेट में इस तरह से। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संता विलेज फूड में। आज हम बनाने वाले हैं उड़द दाल के दही बड़े बिल्कुल देसी तरीके से। आइए देखते हैं इसके में क्या क्या सामग्री लगेगी। ये हमने उड़द दाल ली थी, 2 घंटे भिगो के रख दी है इस तरह से। ये फूल गई है अच्छे से। ये हमने भुना हुआ धनिया पाउडर लिया है 1 बड़ा चम्मच। ये हमने बिना भुना हुआ धनिया पाउडर लिया है 1 बड़ा चम्मच। लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, साबुत जीरा 1 चम्मच, भुना हुआ जीरा 1 चम्मच, हींग 1 चम्मच, काला नमक 1 चम्मच, सफ़ेद नमक 2 चम्मच, हरी मिर्ची 3 से 4, हरा धनिया 1/2 किलो। हमने ये गाढ़ा वाला दही लिया है, इसमें हम पानी की जगह पे ये देखिए मसाला छाछ डालेंगे। सबसे पहले हम ये तैयार कर लेते हैं। इसमें हम डालेंगे ये मसाला छाछ। आप चाहे तो इसमें पानी यूज कर सकते हैं, फिर आपको दही ज़्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि दही बड़े अच्छे से फूलेंगे नहीं। फिर छाछ हमने अच्छे से डाल दी है इसमें। अब हम डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक, हल्का सा लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ धनिया पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर थोड़ा सा ही डालेंगे इसमें। हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको ये ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी धनिया पत्ती, मिक्स कर देंगे। अब इसे हम ढक के रख देंगे। इस दाल को हम मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे। इसी तरह से हम बाकी की पीस के तैयार कर लेंगे। ये देखिए इसी तरह से हम बाकी की पीस लेंगे। दो ही हमने पीस लिए है ये देखिए इस तरह से। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा साबुत जीरा, काला नमक, हींग, लाल मिर्ची पाउडर। इसमें हमने हरी मिर्ची पीस ली थी 4 से 5, सफ़ेद नमक। इसमें हमने 4 से 5 हरी मिर्ची पहले पीस ली थी। अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करके अच्छे से इसको फेंट लेंगे। इसे हम 3 से 4 मिनट अच्छे से फेंटेंगे इसी तरह से एक ही डायरेक्शन में। दो ही हमने फेंट लिए हैं। इधर हमने गैस पे कढ़ाई रखी है, उसमें डाल दिया है तेल। ये हमारा रिफाइंड तेल है, इसको अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। ये देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है। थोड़ा सा हम तेल निकालेंगे इस तरह से। इसमें हम तड़का लगाएंगे। जीरे को हम अच्छे से भून लेंगे इसमें। ये देखिए जीरा अच्छे से भूनने लगा है। ये देखिए जीरा अच्छे से छिटकने लगा है। गैस हम बंद कर देंगे। डालेंगे ये जो हमने मसाला वाला दही तैयार किया है इसमें। अब हम दही बड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। हाथों पे हम थोड़ा सा लगा लेंगे पानी इस तरह से थोड़ी सी धोई उठाएंगे, इस तरह से गोल करेंगे। ये देखिए इस तरह से बनाएंगे और इसे हम डायरेक्ट तेल में डाल देंगे। तेल को हम मीडियम ही गर्म रखेंगे।
एक बार में जितने कढ़ाई में आएंगे उतने ही दही बड़े डालेंगे और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पकाएंगे ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए। ये देखिए दही बड़े फूलने लगे हैं, अब इसमें हम नहीं डालेंगे, जो फूल गया है उसे हम आराम से पलट देंगे। जिस ट्रिक से हमने बताया है उसी ट्रिक से आप लोग बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छे से ये सॉफ्ट सॉफ्ट से दही बड़े बनके तैयार होंगे, बिल्कुल फूले फूले से। इन्हें हम उलटते पलटते पकाएंगे ताकि अच्छे से ये गोल्डन कलर के हो जाए, अंदर तक भी पक जाए। ये देखिए दही बड़े बिल्कुल पक के तैयार हैं, अब इन्हें हम निकाल लेंगे एक प्लेट में इस तरह से। अब इन्हें हम इस तरह से डायरेक्ट दही में डाल देंगे, हल्का सा दही इस तरह से चला देंगे और इन्हें हम ढक देंगे। बाकी के दही बड़े भी इसी तरह से हम बना के तैयार कर लेंगे। देखिए अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले।